सब मेरा सब ज्वेलरी दिखेगी, मेरी शक्ल कोई देखेगा ही नहीं। ये परफेक्ट लग रहा है, मतलब सारी है ना, और आप जब डालोगे तो बहुत प्यारा दिखता है। ओ नाइस, ये मेरे को बहुत पसंद आया, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। और देखेंगे ऑप्शंस, ये भी बहुत सुंदर है यार, इसका वर्क बहुत प्यारा है। कितना तोला लेने का? 50 तोला। Welcome back to our channel, The Kind Travelers. तो आप देख सकते हो कि हम लोग एक कैब में अभी वेट करें मेरे डैड का। मेरे साथ है करण। करण कुछ बोलना है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, बहुत कुछ करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत कुछ लेने जा रहे हैं। सो गाइस, आपको पता है बिग डे आ रहा है हमारा, उसके लिए हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, और बहुत जल्दी आपको ऐसे ही शॉपिंग के व्लॉग्स देखने मिलेंगे। तो प्लीज बेयर अस, अगर आपको लगेगा कि कितना शॉपिंग का व्लॉग डाल रहे हैं, पर क्या करें, मतलब किसी के भी लाइफ में ये बड़ा दिन आता तो सब लोग शॉपिंग करते ही है। बट वील ट्राई टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग जितना पॉसिबल है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्या क्या ले रहे हैं। इसी के साथ मेरे डैड भी आ गए, मैं दिखा रही हूँ, ये देखो ही गए मेरे डैड। तो डैड गए, तो बाइक पार्क करेंगे, उसके बाद आएंगे, देन विल गो। तो जस्ट बने रहिए एंड बताना देख रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जितनी भी लड़कियों को तो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं बहुत चीजें लेने जा रही हूं। बेसिकली मैं अपनी ज्वेलरी बनाने जा रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग वेट करें डैड का, वरना ऐसे होता है कि अगर जाना होता है तो डैड आके आधा आधा घंटा तक वेट करते हैं और हम लोग को आने में लेट हो जाता है। आज कहाँ पर आए हुए तू शॉपिंग करने? आज शॉपिंग करने के लिए, चलो अंदर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम सुपर एक्साइटेड। सबसे पहली चीज क्या देखी है? ये अब आपको पता है ये क्या ही है, और बिग डे क्या है आपको पता ही चल गया होगा। अभी ट्राई कर रही हूं, मुझे बहुत प्यारा लगा है, इसके लिए मैंने पहले बाल ऊपर बांध दिया है। हाय हाय, तो लेट्स सी कैसा है। मंगलसूत्र, वाओ, दिस इज वेरी नाइस ना, डायमंड वाला मंगलसूत्र। इज द लेंथ का 18 है कि का है? ये जी 18 की लेंथ है, 18 लेंथ है ना। आज मेन तो मुझे अपने लिए नेकलेस बनाना था, जो मेरे मम्मी मेरे डैडी लोग की तरफ से रहता है, पर मैंने बहुत पहले जब मैं जॉब पे लगी थी मैंने गोल्ड कॉइन्स बना के रखी थी, तो आज वो काम आ रहे हैं, वो यूज करने वाली हूँ। एंड बाकी भी देखते, कुछ और अच्छा लग गया तो वो भी दिखाएंगे, जैसे बैंगल्स हो गया या जो भी सेट मिल गया। समझ रहे हो अरे तो वो सब चीजें समझ रहे क्या? सब ही करते हैं शॉपिंग, राइट गाइस? आप बताओ कमेंट करके। बट ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है शॉपिंग करने के लिए, बहुत ज्यादा, बिकॉज़ शी लव्स ज्वेलरी, और उसको ट्राई करना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे डेलिकेट सब पसंद है, मुझे ज्यादा हैवी, ज्यादा बिग, ज्यादा लाउड नहीं पसंद, जैसे हमारी मॉम पहनते वैसे। हां, एकदम सिंपल सा, बड़ी छोटा सा रहेगा, दैट्स ओके, वैसा पसंद है। लेट्स सी क्या क्या दिखता है, और इसको ट्राई करने तो बहुत ज्यादा मजा आता है, और खरीदने और ज्यादा मजा आता है। आपको दिखा दे, आपको दिखा दे, बहुत सारी चीजें लेने वाले, सो देखते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें देखने वाले और क्या क्या लेने वाले वो देखते हैं। सो गाइस, जो मैंने पहले पहना था वो 18 इंचेस का था, ये अभी है 36 इंचेस का, जो बहुत ज्यादा लॉन्ग है। तो मुझे इतना लॉन्ग नहीं चाहिए, मुझे एक, क्योंकि मैंने एक छोटा पहले से ही देख लिया है तो वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ये करण के साइड से है, तो वो वाला मुझे अराउंड 26 लेंथ का चाहिए, इतना। ये परफेक्ट लग रहा है, मतलब साड़ी है ना, और आप जब डालोगे तो बहुत प्यारा दिखता है इसका वो। ये फाइनल नहीं किया है, मैं दिखाता हूँ, बैक कैम से दिखाता हूँ मैं। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ ज्वेलरी देखे जा रहे हैं अभी, और वैल्यू तो एक्चुअली ये लोग आप मुझे सजेस्ट करें कि आप ऐसा ट्राई करो, मुझे पर्सनली ज्यादा हैवी पसंद नहीं, पर ट्राई करने में क्या ज्यादा, तो लेट्स ट्राई एंड सी। यहाँ में मजा आ रहा है, देखिए क्या, लेट्स ट्राई एंड सी, लेट्स ट्राई एंड सी, लेट्स ट्राई एंड सी, लेट्स ट्राई एंड सी। मनु तो कलर डिफरेंस होता है, साउथ इंडियन कलेक्शन में से तनिष्क में जो भी एकदम स्पेशल कलेक्शन है ना यहाँ पर, वो दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं वैदु के ऊपर वो कैसा लगता है, अभी उसको पहनाने वाला है पूरा, एंड देखते कैसा लगता है। स्टार्ट कर दिया है, देखो पहनाना स्टार्ट कर दिया है, बाप रे बाप।
हमारी नाजुक सी वैदु एकदम बता ना, ये शायद बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है उस पर ठीक है, चलो देखते हैं पूरा 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 पहन लेते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है, पूरा पहन लेते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। और मेरे डैड बोल रहे बराबर है, देखते हैं फुल पहनने के बाद। कितने पांच किलो का है क्या किलो नहीं कितने ग्राम्स का है सर, कितने ग्राम है 50 तोला एक है 99 जो बड़ा है और वो जो छोटा है वो 29 ग्राम का है। टुकड़ा है छोटा छोटा करते हैं ना, बहुत टुकड़ा है रेड के ऊपर एकदम गोल्डन अच्छा लगने वाला है ना, इसलिए गाइस मेरे हिसाब से ज्वेलरी का डिजाइन बहुत प्यारा है पर ये मुझ पे सूट नहीं कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। देखा मिरर में बाबा मैं 50 साल की आंटी लग रही हूँ। नहीं यू लुक ब्यूटीफुल, अच्छा है डिजाइन पर ना खूब मोटा सा लगा, आई वांट समथिंग वेरी डेलिकेट ऐसा छोटे से नाजुक सा पण एक डिझाईन छान आहे, पण मला असं मला असं वाटतं की मी जे साडी घालणार आहे ना त्याच्यामध्ये जाणार नाही, लिटल बिट थोडं एकदम ट्रॅडिशनल नाही आहे, साऊथ इंडियन साडीवरती खूप मस्त दिसत आहे। ठीक आहे मी तसं अलाइट, तो ये वाला ना बहुत हैवी लग गया और इसके ऊपर देखो मतलब आपको भी समझ रहेगा कि कितना ज़्यादा दिख रहा है। मैं तो हमेशा डेलिकेट पहनती हूँ, तो अभी हम लोग कुछ डेलिकेट डिजाइन देखने वाले हैं एंड लेट्स सी वो पहन करके कैसे लगते हैं। कितना तोला लेने का? 50 तोला, 50 तोला। तो ये वाले सेट्स हम लोग ने देखने चालू कर दिए, पर मैं ट्राई ये वाला भी करूंगी क्योंकि ये कुछ यूनिक है, तो दोनों ट्राई करके देखूंगी मैं। फर्स्ट सेट ये बहुत क्यूट है, मुझे ऐसे सब पसंद है, फिर भी और मैं दो तीन और देखती हूं। एक्चुअली छोटे से और मस्त क्यूट लग रहा है, थोड़ा सा दिस आल्सो लुक्स वेरी नाइस है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। सब ले ले क्या, पूरा दुकान लेने का? नहीं इतना नहीं, ये भी बहुत सुंदर है यार, इसका वर्क बहुत प्यारा है। जब तू पहन रही है ना एक एक, तो जब व्लॉग देखेगी ना तू खुद देखते बैठ जाएगी, इतना अच्छा लग रहा है। सुंदर ये भी, मैं क्या जा रहा हूं, तो मैं ये रेड कलर चाहिए। वाओ दिस इज Wow. Wow, this looks so nice. Your style. एकदम मेरा स्टाइल है, मतलब अब तक जितने भी देखे ना ये मुझे बहुत प्यारा है, इसका शाइन भी बहुत प्रिटी है यार। इयररिंग्स भी क्यूट डेलिकेट, एक बार ही घालूं पकते हैं, ज्यादा देखे ना। द शादी सीजन इज हियर। नए नए सेट्स, क्या बात है। दिस इज एवरीडे के लिए, मतलब ऐसे कुछ पार्टी या कुछ पहन रहे तो कितना सुंदर लगेगा ना, ये भी अच्छा लग रहा है ना, करें बहुत मस्त है, शाइन बहुत अच्छा है ये भी। हाँ घालूँ कुठला आवडला तुम्हाला पप्पा? आम्ही हा वाला बघितलेला, हा मला मस्त वाटतोय आता, हा दोन कुठला छान वाटतोय, मैं मेरे डैड से पूछ रही हूँ दोनों में से कौन सा अच्छा दिख रहा है। मैं तब तक हमारे
मुझे लगता है ये मैं वेस्टर्न साड़ी ऐसे हल्की फुल्की साड़ी डालूंगी उस पर भी जाएगा, ये थोड़ा लिमिटेड हो जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, पर ये भी प्यारा है। वेरी ब्यूटीफुल पर हे पे चाइज द शाइन छन है पापा हे एकदम प्योर एकदम सब गोल्ड गोल्ड इज दिस द हां अच्छा मैंने कैसे रोडियम है मैंने डायमंड से लुक दिस ये नाइस दिस इज नाइस बैंगल्स देखे जा रहे हैं अभी माला ना थोड़ा डेलिकेट सा है का तुमच्याकडे थोड़े चार छोटे हां सेंटर फोर हां हे छान आहेत पण खूप मोठे आहे मला असं थोडं डेलिकेट पाहिजे अपने मम्मी के हाथ में अच्छे लगेंगे ये हाँ थोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है तो छोटू सा है तो मोटू से हो जाओ फिर हाँ ये अच्छे बीस लोग अमीर ये बहुत अच्छे लग रहे हैं मैं हेड हूं दूं हां हेड हूं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं ये अच्छे थे दिस वन आई ट्राई दिस वन ओपे बोला ये हाथ से निकल गया वो तो ऐसे ये कितना प्यारा है वाओ एक सेकंड सेट को मैचिंग है क्या या सेट को एग्जैक्ट मैचिंग है क्या बात है इतने जल्दी डिसाइड भी कर लिया यू लाइक इट यस आई लाइक इट और भी आ रहे बट लड़की को एक बार जो अच्छा लग गया वो अच्छा लग गया कितना तोला है पचास तोला बोला एक तो ये बैंगल्स अभी एक मिनट गलत तभी जब किसी ने देखा है नहीं देखा तो क्या गलत गलती से रख दिया मैंने ये वाला ना हम लोग ने मेरे डैड वैदू को एक्चुअली एक गिफ्ट देने वाले थे तो हमको ये वाला अच्छा लगा है उसके लिए तो डैड को अभी तुरंत फ़ोन करके पूछता हूँ उनको दिखाता हूँ उनको कैसा लगा और उन्होंने हाँ बोल दिया तो ले लेता हूँ ये वाला ओ मेरे डैड का दीप ही देख रहे हो आप लोग मेरे भाई का फ़ोटो रखा है मेरे डैड ने वाह मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता मेरा तो कोई फ़ोटो ही नहीं रखता बट ठीक है चलो डैड को कॉल कर रहे हैं डैड को दिखाते हैं अभी कैसा लग रहा है वैदू अरे क्या बात है मोबाइल में क्या मस्त तो ये है डायमंड सेट्स गाइस और यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं वेस्टर्न के लिए अच्छा है एकदम वेस्टर्न है एक्चुअली तो ये वाला ट्राई करने के लिए थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है और देखते हैं ये भी अच्छा लेकिन ये रोज गोल्ड में है मुझे रोज गोल्ड नहीं चाहिए पहन रही है वैदू और जूम करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा लग रहा है पहले पूरा पहनने दो लुक हियर ऐसा है तभी डैड ने फोन उठाया नहीं बट अभी डैड का कॉल आया था और बात हो गई अब एक और बार कॉल कर रहे हैं और वापस दिखाऊंगा उनको और देखते हैं क्या बोलते हैं डैड अगर डैड बोले तो फिर लेकर देते क्योंकि वो गिफ्ट है डैड की तरफ से वैदू को एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मुझे बहुत पसंद आया सो वेट करते हैं वापस कॉल आने वाला है ये लड़की इतनी ज़्यादा स्मार्ट है इसने क्या किया था बताया पहले ही इन्वेस्ट करके रखा था गोल्ड कॉइन्स में और ये वाले गोल्ड कॉइन से देखो बहुत पहले और क्योंकि इसको इसके शादी का ज्वेलरी बनाना था तो पैसे जमा करके इसने इन्वेस्ट करके रखा था तो दो कॉइन्स लिए इसने 10-10 ग्राम्स के और अभी क्या कर रही है अभी यही कॉइन मेल्ट करने वाले इसको और हमको हाँ हमको प्रोसेस भी पता चलने वाला है कैसे मेल्ट होता है और भी हमारे सामने होगा तो ये मैंने कहीं और से लिया था तो ये मेल्ट करेंगे हमारे सामने प्रोसेस होगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर का उस हिसाब से कैश देना पड़ेगा बहुत स्मार्ट लड़की है वैसे मेल्ट कैसा होता है वो प्रोसेस देखने जा रहे हैं हम लोग
हम लोग ओ ये लकी है, हमको देखने मिलने वाला है। यहाँ पर देखो लिखा है कारीगर, यहीं पर होगा शायद। वैदु लेट्स गो लेट्स गो, वहाँ से जितना भी सोना है सब लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर होता है गाइस, इस पर के बाद शाइन आएगा मस्त। बाय बाय कॉइन, इसमें मेल्टिंग आएगा, खानी है चेक कर सकते हैं। मेल्ट होने के बाद भी सेम होगा ना उसका वेट, थोड़ा सा मिलीग्राम वेट में कम हो जाएगा, वो 0.05 कम हो गया तो चलेगा। इसलिए मैं ज्यादा लेता हूं, इससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है। अच्छा, टेस्टिंग मशीन गाइस। करण को बड़ा मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कॉलेज के डेज याद आ गए, ऐसा लग रहा है मैं साइंस लैब में आ गई हूँ करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट। वैसे ही फील आ रहा है, सिर्फ मुझे मेरा एप्रन नहीं है मेरे पास, मेरे ग्लव्स नहीं है। बाय द वे मैं साइंस स्टूडेंट थी, पता नहीं साइंस क्यों ही लिया था। ना टाइम वेस्ट किया हम लोग ने बहुत जिंदगी में, ये तोड़ दिया दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़। I'm going to see this for the very first time. मैंने भी कभी देखा नहीं, मैं पहली बार। क्या टेम्परेचर पे मेल्ट होता है? 850-900 तक जाता है। ओह ओके, तो 850-900 हो जाएगा गाइस कुछ टाइम में। आप लिटरली देख पा रहे हो कैसा फ्लेम निकल रहा है, पता चला मेरा कैमरा ही चला गया, सो हॉट। मेल्ट करके एक रैंडम शेप में हो जाता है क्या वो? ऐसा सेप आता है, कोई भी सेप आ जाएगा, कोई भी सेप आ जाएगा। डायरेक्ट चेकिंग मशीन, और भी यहाँ पर आ गए हम लोग और देखते हैं कि हमारा गोल्ड कितने कैरेट का है और कितना वैल्यू मिलेगा। उस पर लिखा था जब मैंने बनाया था, उस पर लिखा था 24 कैरेट 999, ऐसे लिखा था। अभी देखते क्या हो रहा है। काउंट डाउन चल रहा है, 5 4 3 2 1, हमारे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और देखते हैं कि कितना। ओहो 100% के साथ वापस पास होते हुए, क्या बात है, फ्लाइंग कलर्स, क्या बात है। वैदु दो बार 100% मार्क्स मिलते हुए इतनी कैसे पढ़ाई कर ली? कर ली थी, अभी काम आ रही हो पढ़ाई। 100% दोनों टाइम, वैदु इज अ चैंपियन। बिलिंग हो रहा है एंड फाइनली सब कुछ हो गया। वैदु मजा आया? वैदु का एक बात बहुत अच्छा है गाइस, शी इज अ वेरी क्विक शॉपर। वैदु का एक सबसे बेस्ट बात क्या है पता है आपको? वैदु ये ना एकदम 1003 OTP बता दिया, सब लोग ने सुन लिया अभी। और तो सबसे बेस्ट बात क्या है पता है इसका, इसको जो अच्छा लगता है ना वो फटाक से ले लेती है, ज्यादा टाइम पास नहीं करती। और मेरा सबसे एक खराब बात क्या है कि मैं लेने के बाद भी उस चीज को यूज नहीं करता, सालों तक संभाल के रखता है नहीं, और मैं लेता भी नहीं हूँ। जैसे कि वो फोन लेके करंट को हो गया, फोन गिफ्ट करके करंट को हो गया, एक हफ्ता 10 दिन आराम से, 10 दिन हो गए तब करंट को फोन यूज करना। मैं यूज कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे, क्या होता है वो चीज जिसको गिफ्ट किया था मैंने उसी दिन यूज करना स्टार्ट किया। तू स्मार्ट है तो इसका ये एक बहुत अच्छा बात है। मैं तो हाई फाई हाई फाई ऐसे ही होना चाहिए गाइस, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, क्या पता कल होना कल होना। Right, तो खुद का खुद पैक भी कर रही है, देखो वैदु हैप्पी हैप्पी, क्या बात। बॉक्स थोड़ा ज्यादा बड़ा आगे जाके इसमें मैं मंगलसूत्र भी रख दूंगी जो कर देगा मुझे। चलो लेट्स बिल नाउ, मजा आ गया देख के। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द गिफ्ट। मैम काय गिफ्ट देना रे तुम्ही आम्हाला? हां सर आम्ही दिलेले आहे ते ठीक चलेगा चलेगा, वी आर गेटिंग सम गिफ्ट्स एज वेल, सो लेट्स गो। गाइज हो गया सब कुछ एंड वी आर जस्ट साइनिंग, सो टाटा। ये था हमारा शॉपिंग वाला ब्लॉग, आर किड्स आर रेडी एंड ऑफ वी गो। ये था हमारा ब्लॉग, आई होप आपको ये अच्छा लगा। और लड़की चेहरे पे स्माइल दिख रही है,
मजा आ गया इसको शायद बिकॉज़ शी लव्स ज्वेलरीज और आई थिंक एवरीवन लव्स ज्वेलरी या आई लाइक लेट मी प्रॉमिस यू मैं फ्यूचर में और ऐसे ज्वेलरी तुमको लेकर दूंगा नहीं शी मुझे प्रॉमिस देखो कैसी है लड़की मतलब ठीक है कोई बात नहीं नहीं लेकर दूंगा लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरे को चाहिए नहीं लेकर दूंगा कुछ भी नहीं कुछ भी थैंक यू नहीं बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द ब्लॉग आई होप यू एंजॉयड इट और ऐसी ब्लॉग्स और आते रहेंगे सो प्लीज़ अभी बने रहिए हमारे ब्लॉग में कहीं जाइए मत सारे ब्लॉग देखना और अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो अब तक तो सब्सक्राइब बटन है यहाँ पर तो प्लीज़ क्लिक कर दो उसके ऊपर सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय